और अब खबर आ रही है जयपुर के चोमू से, जहां पर तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलट गई। बड़ा हादसा टला, कार सवार लोगों की जान बच गई। गनीमत ये रही कि किसी की जान नहीं गई है, कोई जनहानि इस हादसे में नहीं हुई है। कार में सवार लोग जयपुर से चुरू जा रहे थे और सूचना पर अब पुलिस मौके पर पहुंच गई है, तो क्षतिग्रस्त कार को हटाकर यातायात तब सुचारू करवाया जा रहा है। चोमू के एनएच 52 उदयपुरिया मोड़ पर यह हादसा हुआ। मौके पर पुलिस अभी फिलहाल मौजूद है। ये कार आप देखिए किस तरीके से पलट गई। ये भीषण हादसा हो सकता था, यानी बड़ा रूप ले सकता था अगर किसी की जान जाती तो। लेकिन गनीमत रही कि इतने बड़े हादसे से भी लोग बच गए, इतने बड़े हादसे से कार सवार बच गए, कोई जनहानि इसमें नहीं हुई है। बड़ा हादसा टला, तो कार सवार लोगों की जान बच गई। जयपुर के चोमू से ये खबर है, तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलट गई। और कार की तस्वीरों में से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं देखकर कि एक कार किस तरीके से दुर्घटनाग्रस्त हुई है। लेकिन वाकई ये कुदरत का करिश्मा है, भगवान का करिश्मा है कि इतने भीषण हादसे में भी जो कार सवार थे वो बच गए हैं। बड़ा हादसा टला, कार सवार लोगों की जान बच गई है। तो ये सभी जयपुर से चुरू जा रहे थे, तेज रफ्तार में थी ये कार, अनियंत्रित हुई और पलट गई। कार सवार सभी लोग बच गए हैं। हमारे सहयोगी डीके कुमावत चोमू से जुड़ गए हैं। डीके, इस खबर की अगर बात करें तो तेज रफ्तार अनियंत्रित हुई कार और जिस तरीके से पलटी है, तस्वीरों में हम अंदाजा लगा रहे हैं कि ये भगवान का, कुदरत का करिश्मा ही कहेंगे कि सभी लोगों की जान बच गई, कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा गोविंदगढ़ में अल सुबह जयपुर से आ रही कार NH-52R के होटल उदयपुरा मोड़ के पास पलट गई। कार में 4 लोग सवार थे। स्थानीय लोगों ने बीच बचाव कर कार में सवार लोगों को बाहर निकाला और कार जयपुर से चूरू की तरफ जा रही थी। जी जी बिल्कुल डीके, अभी फिलहाल क्या जानकारी मिल पा रही है? पुलिस मौके पर मौजूद है। तेज रफ्तार ये कार अनियंत्रित हुई, तो कोई कार्रवाई पुलिस की तरफ से हुई है इस मामले में? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा हालांकि कार में सवार किसी भी व्यक्ति को चोट नहीं आई है। कार ड्राइवर सद्दाम ने बताया कि सुबह एयरपोर्ट से 3 लोगों को बिठाकर चूरू की तरफ जा रहा था। उदयपुरा मोड़ के पास अचानक से गाय आने की बात सामने आई है, इसको बचाने के चक्कर में ब्रेक लगाना पड़ा जिसके कारण कार अनियंत्रित होकर पलट गई। वहीं सामोद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच कर रही है। चलिए शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो ये थे हमारे सहयोगी डीके कुमावत चोमू से। ये कार बुरी तरीके से पलटी लेकिन सभी लोग बच गए।